Welcome to the class of UGC NET. This is your paper 2 preparations are going on of subject commerce. Unit 3 we are doing and topic for today is price leadership model under monopoly. Like in this session we will see how the price is decided, how the price is determined under the monopoly market. As you all know that there are different kinds of market that are present. One was your perfect competition market. Then we discussed oligopoly. We also discussed monopolistic. And now it is your monopoly, the last type of the market. And it is very, very important to understand this concept also. So students, follow my rule to complete your preparation of UGC NET. You have to read all the syllabus, you have to revise all the syllabus, and then you have to repeat the same principle. That is read, revise, repeat. Read, revise, repeat. And I hope your preparations are also going very well. So let's start this topic by understanding what actually the monopoly is. मोनोपली क्या होती है, मोनोपली मार्केट हम किसे बोलते हैं, मोनोपली वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा. सो मोनोपली बेसिकली व्हाट इट इज, इट रेफर्स टू अ मार्केट स्ट्रक्चर, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें क्या होता है, वेयर देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर या फिर क्या कौन हो, सिंगल सेलर. मीन्स उस प्रोडक्ट को बनाने वाला या बेचने वाला एक ही पर्सन है मार्केट में. देयर इज One person doesn't mean just single person. It could be one firm only, just one member that has a control on the entire market. क्योंकि उस person को पता है, उस producer को पता है कि इस particular product को बेचने वाला या बनाने वाला मैं ही हूँ और मेरे बिना ये product consumer को कहीं नहीं मिलेगा. So that's why he is the sole owner of that particular product and whatever he will decide about the price, consumer को वो pay करना ही पड़ेगा because consumer कहीं और नहीं जा सकता. तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया कि जो monopoly होती है, और monopoly के अंदर कौन होता है, monopolist. इस producer को क्या बोलते हैं, monopolist. So monopolist एक तरीके से controller होता है पूरी की पूरी market का, right? Then products have no close substitute. अगर products के close substitute हुए तो जब monopolist उस product का price high कर देगा तो consumer दूसरे product पर चले जाएंगे, यही होगा ना. But यहाँ पर क्या है, products का कोई close substitute भी नहीं होता, एक single product है और उसी को ही खरीदना पड़ेगा. तो that's why क्या है कि consumers के पास कोई choice ही नहीं रहती उस particular producer के पास जाने के अलावा. तो यहाँ पर यही बोला गया है that products have no close substitutes and has direct demand and supply. So यहाँ पर जो demand and supply होती है, that is direct because there is a single product having no substitute, single producer, people have to directly depend upon that particular product. All right, the producer under this type of market, जो producer है, मैंने क्या बताया, क्या कहलाया जाता है, monopolist. मोनोपोली को कंट्रोल करने वाला कौन है, मोनोपोलिस्ट. इजी. देन इफ ही और शी वांट्स टू सेल मोर, अगर उसको ज्यादा सामान बेचना है, वही जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, ही और शी कैन रिड्यूस द प्राइस, प्राइस को कम कर सकता है. और इफ ही और शी इज विलिंग टू सेल लेस, अगर वो कम ही सामान बेच रहा है तो अपना प्रॉफिट तो निकालेगा ना भैया, तो वो क्या करेगा, ही कैन इंक्रीज द प्राइस बिकॉज ही इज द सोल ओनर. तो इसलिए वो मार्केट की सिचुएशन को भी ध्यान में रखता है, ज्यादा प्रोडक्ट बेचना है तो प्राइस को कम कर दीजिए और कम प्रोडक्ट बेचना है तो प्राइस को ज्यादा कर दीजिए, इससे प्रॉफिट कहीं ना कहीं वो कमा लेगा, कौन, मोनोपोलिस्ट. देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड डैश, ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री का यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं क्योंकि यहाँ पर सिंगल टाइप ऑफ प्रोड्यूसर है. छोटी मोटी फर्म लगा लो या उसी फर्म ने अपनी बड़ी इंडस्ट्री बना दी है तो वही सिंगल ही, तो इसलिए इस टाइप ऑफ मार्केट में कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में डिफरेंस नहीं होता. अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्ड लिखा रहा है, इंडस्ट्री, दैट मीन्स द सेम थिंग. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स प्राइस स्ट्रेटजी, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है. लुक एट दिस ग्राफ वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम कि कैसे प्राइस डिसाइड होता है.
यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू MR, दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड भी बोलते हैं. ओके, और ये आपकी क्या जा रही है, मार्जिनल कॉस्ट. देन इट्स योर एवरेज कॉस्ट. तो यहाँ पर क्या है, ये एवरेज कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है. तो जो मार्जिनल कॉस्ट है, क्वांटिटी आप देख रहे हो इस कॉस्ट से अबव बेच रहे हो, है ना, जहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू है ये. तो ये जो पार्ट हुआ ए बी ई सी, ये क्या है, प्रॉफिट ऑफ दैट प्रोड्यूसर, प्रॉफिट ऑफ दैट बायर, राइट. ये प्राइस जब डिसाइड कर दिया जाता है, ए इज द प्राइस, सॉरी ओ ए, ओ ए क्या है यहाँ पर प्राइस, और क्वांटिटी क्या है, ओ क्यू इज द क्वांटिटी सोल्ड. तो इतनी क्वांटिटी, इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी अगर बेची जा रही है, तो ये जो पार्ट है, ये प्रॉफिट किसका हुआ, प्रोड्यूसर का. सो व्हाट इट सेज, रीड इट विद मी, कि मोनोपोली में इफ आउटपुट इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड ओ क्यू. समझना इस डायग्राम को कैसे, कि अगर इसी डायग्राम में आप देखिएगा, अगर ओ क्यू से आगे क्वांटिटी सोल्ड की जाए या क्वांटिटी आउटपुट बढ़ाया जाए, मतलब यहाँ पर ऐसे या इतना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम आर जो है वो एम सी से नीचे चली जाएगी. मार्जिनल रेवेन्यू, दिस मार्जिनल रेवेन्यू, ये ऑटोमेटिकली ये एम सी है ना, एम सी से नीचे आ गया, है ना, देखिए नीचे ही नीचे नीचे है. यहाँ पर एम सी, एम आर जो है वो अबव जा रहा है, एम सी से ऊपर है, यहाँ नीचे आ गया, मतलब रेवेन्यू घट गया. तो इसीलिए इस क्वांटिटी से बियॉन्ड प्रोड्यूसर नहीं बेच सकता. एंड इफ एडिशनल यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, अगर वो बेचेगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, इनकर लॉस. ऑर्गेनाइजेशन को लॉस ही होगा, क्योंकि उनका मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एम सी. सो दैट्स वाई एट पॉइंट ई पर टोटल प्रॉफिट क्या है, अभी की इस डायग्राम से ए बी ई सी, और यही बेस्ट क्वांटिटी है जो कि बेचनी चाहिए अंडर मोनोपोली. Right students, so I hope now from this session you understood clearly what exactly monopoly is, how price is determined under this type of market, and plus you clearly understood the difference between these different kinds of market. Now in next session we will discuss price discrimination. Price discriminate hota hai, price ko alag alag charge kiya jata hai alag alag logo se. तो उस केस में कौन कैसे रिएक्ट करता है, कैसे मार्केट चलती है, सब आपको नेक्स्ट सेशन में पता लगेगा. एंड गोइंग टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूजीसी नेट. सो कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. अगेन आई एम सेइंग